डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो कैसे फाइंड करेंगे, आइए सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वो फार्मूला मैं बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट या उसके रूट को फाइंड करेंगे। ये वाली एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 5x² माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में a बी सी ये तीन वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन में 5x², ये पहली जो टर्म है आपकी ये a है, दूसरी टर्म जो है b इज इक्वल टू माइनस 9, यहाँ पे माइनस है तो b इज इक्वल टू माइनस 9 होगा, और आखिर पे c कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस 2। यानी a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपने अलहदा से लिख लेनी है, जो कि फार्मूले के अंदर आपने पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, फिर ए बी और सी के जो वैल्यू आपने फार्मूले के अंदर पुट करनी है। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई 2a। अब x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, माइनस 9, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 9। ये माइनस फार्मूला वाला पहले लिखा रहने दें, तो माइनस 9 ब्रैकेट के अंदर लिख दें, प्लस माइनस b का स्केयर यानी माइनस 9 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू माइनस 2 है, वो भी मैंने लिख दी नीचे, क्या 2a, a की वैल्यू क्या 5, वो वैल्यूज़ भी मैंने नीचे लिख दी हैं। अब इन जस्ट वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 9, माइनस 9 का स्केयर प्लस 81 होगा, 9 9 जार 81, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 81, 5 4 जार 20, 20 2 जार 40 40, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 40 होगा नीचे, 5 2 जार 10 होगा आपके पास। अब 81 में 40 ऐड करेंगे तो 121 आएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है, माइनस प्लस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 20, 121 डिवाइड बाय 10। अब 121 का अगर स्केयर रूट फाइंड करें तो आपके पास 11 आता है। 11 एक ऐसा नंबर है जिसको 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। यानी 121 का अगर आप स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास 11 आएगा। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू प्लस 9 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाय 10। अब आपके पास दो ऑप्शन बन रही हैं, एक दफ़ा प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में लिखना है, क्योंकि ये 11 प्लस में भी है और 11 ये माइनस के अंदर भी है। तो आइदर एक्स इज इक्वल टू प्लस 9, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया प्लस 11 डिवाइड बाय 10, और एक दफ़ा एक्स इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 लिख दिया। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, 11 में 9 ऐड करेंगे, 20 20 ओवर 10, तो 20 ओवर 10 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 2 जार 20, तो एक जो रूट हमारे पास आया x इज इक्वल टू 2। दूसरा फाइंड करेंगे, प्लस माइनस माइनस 11 में से 9 माइनस करेंगे, 2 आएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़ा जो है माइनस का, 2 ओवर 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 1 ओवर 5 आएगा, माइनस का आएगा। तो ये इसके जो रूट आए हैं, दो रूट आए हैं इस इक्वेशन के, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू। तो अब हम इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ठीक है, ये होता है एस एस मुराद सोल्यूशन सेट। इसका जो सोल्यूशन सेट आया, एक 2 आया, ठीक है, और एक हमारे पास माइनस 1 ओवर 5 आया। ये हमने इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिए हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में लाजमी पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छे से याद किया हुआ है, फिर आप इस इक्वेशन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।